श्री राम कृष्ण विवेकानंद संस्थान के तत्वाधान में स्वामी कालेन्द्रानंद महाराज के सानिध्य में सिद्धपीठ श्री शाकंभरी देवी को 900 फीट की चुनरी अर्पित की गई। चुनरी की शोभा यात्रा के साथ सहारनपुर से मंदिर परिसर लाया गया। इसके लिए श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ सुख समृद्धि की कामना करते हुए चुनरी को माँ के चरणों में अर्पित किया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने श्रीमद् भगवत पुराण कथा का शुभारम्भ किया। अपने सपने अपने सपने। वहीं स्वामी कालेन्द्रानंद महाराज ने बताया है कि ये चुनरी प्रकृति रूप की है, जिसे माँ भगवती आदि शक्ति उसे धारण कर जगत का कल्याण करती हैं। उन्होंने कहा कि चुनरी प्रकृति भाव के रूप में माँ भगवती को अति प्रिय है, जिससे भक्तों का कल्याण होता है। उन्होंने कहा कि जीव की भक्ति जब तक प्रकृति को जागृत नहीं करती है, तब तक उसका कल्याण संभव नहीं है। आदि शक्ति जागृत होकर ही दानव का संहार कर भक्तों का कल्याण करती है। गुप्त नवरात्रे हैं माँ भगवती शाकंभरी देवी के, तो इनमें 900 फुट की चुन्नी माँ भगवती को आज अर्पण की गई है। चुन्नी जो है वो प्रकृति का रूप है, कहते कि प्रकृति जब जो है वो शक्ति जागृत होती है तो वही जन कल्याण करती है। तो उसी भाव को लेकर समस्त संगत ने आज जो है माँ भगवती शाकंभरी देवी को 900 फुट चुन्नी चढ़ाई है, जिसमें देवी भागवत महापुराण की कथा भी वो 9 दिन तक चलेगी और अखंड भंडारा वो 9 दिन तक चलेगा। चुनरी तैयार करने में लगभग जो है वो 1 महीना लग गया है और ये सूरत में विशेष तौर से तैयार करवाई गई है और भक्तों के द्वारा वो सूरत से लाई गई है। इसमें लगभग जो है 25 कारीगर इसको तैयार करते हैं, जिसमें बेल बूटी और इसमें कढ़ाई आदि सब होता है। ये यहाँ लगभग हो गया 3री बार माँ भगवती को चुनरी अर्पण की गई है। इससे पहले कलकत्ता में माँ भगवती को ये चुनरी अर्पण प्रतिवर्ष कलकत्ता में होती है। भाई यह है कि माँ भगवती सबका कल्याण करे और माँ भगवती सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। शुभ नवरात्रे जो माँ भगवती शाकंभरी देवी के गुप्त नवरात्रे हैं, उन सब पर जो है वो कृपा रहे, माँ भगवती सब पर कृपा बनाए रखे। बोले शाकंभरी मैया की जय हो। बता दें कि माँ शाकंभरी देवी को अर्पित की गई 900 फीट की चुनरी 1 माह में बनकर तैयार हुई थी, जिसे सूरत के 25 कारीगरों द्वारा तैयार किया गया था। ये चुनरी माँ शाकंभरी देवी को 3री बार अर्पण की गई है। उन्होंने बताया है कि सिद्धपीठ माँ शाकंभरी देवी की गुप्त रूप से ये पूजा अर्पण की गई। इस अवसर पर महिलाओं ने मंगल कलश यात्रा भी निकाली, साथ ही जन कल्याणकारी भावना को लेकर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहारनपुर से रामकुमार मुंडीर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।